राधिका नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डोनेट म्यूजिक में, जहां आपको मिलता है ज्ञान ही ज्ञान। आज जो मैं लेके आया हूं वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये गाना भी बहुत बड़ा है। गाना है मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे। गाना बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है, इसलिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इस गाने को, तभी आप अच्छे से गा पाएंगे। धीरे धीरे आराम से एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मधुबनी में राधिका नाची रे इस सॉन्ग के बारे में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सॉन्ग को समझना बहुत जरूरी है गाने से पहले। ये आम गाना नहीं है, ये एक विशेष मतलब श्रेणी में आता है ये गाना, जो राग बेस्ड है। ताल का भी बहुत वेरिएशन है इसमें, ताल जो प्रयोग किए गए हैं वो मात्रा, उसकी मात्रा को समझना, उस मात्रा में बद्ध होके गाना, तालबद्ध में होके गाना, और उस राग के अंदर में अलाप करना, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपको ताल के बोल हैं इसमें, और ठाह दुगुन लय में है, दुगुन लय में भी है। फिर इसमें ताने हैं, तान के बाद इसमें तराना है, मतलब काफी कुछ इसमें डाला गया है इस गाने में, संगीतकार ने बहुत कुछ डाला है इसमें। तो मैं इस गाने को इसलिए थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले गाने के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना आपको। ये गाना कोहिनूर फिल्म में प्रयोग किया गया है, इसके संगीतकार हैं नौशाद साहब, गीतकार है शकील बदायूनी साहब, और गायक है मोहम्मद रफी साहब। ये गाना राग हमीर, एक राग होता है राग हमीर पे आधारित है। जब राग हमीर का नाम आ गया तो थोड़ा राग हमीर के बारे में भी जान लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम आज आपको राग हमीर के बारे में थोड़ा आरोह अवरोह जो जरूरी होता है, पकड़, इसकी वादी क्या है, संवादी क्या है, ये थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, और इसके ताल, इसमें जो ताल प्रयोग होते हैं उसके बारे में आज आपको बता दूंगा, है ना। तो आपको गाना गाने में आसानी होगी, ठीक है। तो आइए आपको राग हमीर के बारे में आरोह अवरोह कैसे गाते हैं, उसके रूट क्या है, गाने का तरीका कैसा है, सुनने में कैसा लगता है राग हमीर, तो वो थोड़ा मैं आपको बताता हूं। पहली गाली को मैं सा बना के गा रहा हूं, सब पकड़ लो। सारे सा गामा धा, ठीक है। अब इसका वादी संवादी स्वर आपको बताता हूं। इसे वादी होते हैं धैवत ध, और संवादी होता है ग ध। ये हुआ वादी, वादी मतलब मुख्य स्वर, राजा स्वर, और ग मतलब वाद, संवादी मतलब मंत्री स्वर। ये देखिए, ये दोनों स्वर में गाने में आपको बहुत यूज होगा, जब हमीर राग गाएंगे, या हमीर राग में जो ये बंदिश आपको मैं सिखाने वाला हूं मधुबन में राधिका नाची रे, उसमें ध और ग का प्रयोग देखिएगा,
तो ये अगर सीख जाइएगा ना तो उसको गाने में और आसानी होगी। ये हो गए। अब इसकी जाति भी जान लीजिए। इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। जाति मतलब इस राग में आने में और जाने में, आरोह और अवरोह में कितने स्वर लगते हैं। अगर सातों स्वर लग रहे हैं तो संपूर्ण, आने में भी सातों स्वर लग रहे हैं तो भी संपूर्ण, तो संपूर्ण जाने में, आने में संपूर्ण, तो इसकी जाति हो गई संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है। थाट इसको कुछ लोग, कुछ विद्वान कल्याण थाट भी मानते हैं और कुछ विद्वान इनको बिलावल थाट भी मानते हैं, क्योंकि सारे स्वर लग रहे हैं। और कल्याण इसलिए क्योंकि इसमें तीव्र मा का भी यूज होता है। देखिए ऐसा प म प ग म द। ठीक है। और एक जरूरी चीज है, ध इसमें जो लगाते हैं सीधा ध नहीं लगाते, ग म ध नहीं, ग म ध मतलब नी का जो है थोड़ा कर्ण लेते हैं उसमें, ग म ध ध नी द। ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये भी समझ लिया आपने। अब ये भी समझ लीजिए कि इसमें रे वक्र लगता है, रे जो है वक्र लगता है और नी भी वक्र लगता है। जैसे हम लगाते हैं ना लाइन से, नहीं कहते सा रे ग म प ध नी सा, ऐसा नहीं है। इसमें आरोह अवरोह है, सा रे के आने के बाद सा पे फिर वापस आ गया और उसका फिर सारा सुर लगा है, ग म प म प ग म ध। अभी देखो ध नी ऐसा किया आपने, तो नी धा, नी के बाद फिर धा पे आए, यानी नी वक्र लगाए, नी सा डायरेक्ट नहीं गया हमें, नी धा सा। ये हुआ इसका चलन, वक्र लग जाता है नी और रे। उसके बाद इसकी कुछ कुछ स्वर संगतियां हैं जो थोड़ा समझ लीजिए आप। इसके अलावा भी कोई अगर गाना राग हमीर में हो, बंदिश भी हो, तो भी आप गा लेंगे। उसकी स्वर संगतियां होती है, मतलब बार बार कौन सा स्वर लगता है, बार बार कौन सी मतलब नोटेशन जो है बार बार उसमें यूज किया जाता है, वो देखिए। हर समय ये आएगा सा रे सा ग म ध, इसका चलन ज्यादा रहता है। इसका पुट जो है ना, आपको इसकी गंध सुगंध आपको दिखाई पड़ेगी इस गाने में। नाचिरे गामा दानी सर ऐसा, गामा रे सा, इसका भी ज्यादा सा रे सा गामा रे सा। ओके। फिर गामा पा गामा रे सा जब हम अलाप करेंगे इस गाने में, ये सब अलाप काम आएगा। अभी इसके ताल के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है। इसमें तीन ताल का प्रयोग किया गया। तीन ताल मतलब वन टू थ्री नहीं, तीन ताल एक ताल का नाम होता है जिसमें 16 मात्राएं होती है, 16 बीट, और उसमें सम होता है, खाली होता है, ताली होता है, तो आपको वो भी जानना चाहिए। तो वो विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है इस गाने को अच्छा गाने के लिए, उसका पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं आज। ठीक है। तो ताल की जानकारी आपको थोड़ी होनी चाहिए, तीन ताल की जानकारी, सम कहां पे उठता है, खाली कहां पे आता है, पहला मात्रा क्या, चौथा मात्रा क्या, पांचवा मात्रा क्या, सातवां मात्रा क्या, ये मात्राएं भी आपको थोड़ी जान लेनी चाहिए। आप किताबें पढ़ लीजिए, किताबों में मिल जाएंगे आपको तीन ताल के बोल, यूट्यूब पे भी आपको तीन ताल के बोल मिल जाएंगे। आप थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको सुनिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये गाना कम है, बंदिश ज्यादा है। बंदिश नौशाद साहब ने इसको एक बंदिश बनाया है, इसको एक बंदिश का रूप दिया है जिसमें आपको तान है, अलाप है, लास्ट में तराना भी है, तो आपको उसकी भी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। जैसे इस गाने में नृत्य के कुछ बोल यूज किए, कड़ांधा कड़ांधा, वो मृदंग के बोल हैं,
जब नृत्यांगना नृत्य करती है तो उसमें ये बोल पढ़े जाते हैं, इसको पढ़ंत बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी एक पार्ट है इसका, करेक्ट। तो उसका उसको थोड़ा गौर से सुनिए गाने, इस सॉन्ग को बार बार सुनिए आप तो और ज्यादा आपको समझ में आएगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तान का भी प्रयोग किया गया। तो तान क्या होता है, जब हम बंदिश गाते हैं तो तान के समय में थोड़ा लय बढ़ जाता है, ठीक है, लय बढ़ा के तान गाया जाता है। इसके बाद फिर आता है तराना। तराना इससे भी ज्यादा फास्ट होता है। वो देखिए, अभी ये ले चल रहा था आपको तान में, तो ये पोर्शन कहलाता है तराना। इसको भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, हड़बड़ी में नहीं बता सकता इसको, क्योंकि इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो शब्द यूज होते हैं वो ऐसा कैसा, ऐसा नहीं यूज होता है गामा पा गामा द नी सा नी दा पा, ये सब क्यों नहीं यूज होता, गामा द नी सा नी दा पा ये यूज नहीं होता। तराना में यूज होता है नादिर दिल दिल दिन ता ना 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 दिन ता ना 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 ना, ये सब यूज होता है। दिल दिल तुम दिल दिल तुम दिल दिल तुम दिल दिल तुम, ये सब बोल जो है नून तुम तुम दिल 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 है ना, ये सब बोल यूज होते हैं तराना में। ऐसा ही गाना एक और मैं आपको आगे बताऊंगा, लागा चुनरी में दाग, उसमें भी तराना यूज किया गया है। तो इस तरह से कई गाने हैं, चूंकि बंदिश में ऐसा ही होता है तो हमारे संगीतकारों ने भी इसको प्रयोग किया, फिल्मों में प्रयोग किया और काफी पॉपुलर भी हुआ। तो मेरा कहने का मतलब तराना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो तराने के भी बोल के लिए आपको जबान में दुम दुम दिर 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 दुम दुम दिर दिर ना दिर 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 ना दिर 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 ना दिर 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 ना दिर दिर दिर, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा गाने के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे जनरली लोग गा लेते हैं लेकिन उनके बोल साफ नहीं होते और वो उतना अच्छा नहीं गा पाते, इम्प्रेसिव नहीं होता। तो आपको अगर प्रॉपर सीखना है ना, ये वीडियो आप प्रॉपर देख के प्रॉपरली सीख लेंगे, मतलब आपको एक एक चीज आपको पता हो जाएगा और आप ऐसा गाएंगे लगता है जैसे लगेगा कि जैसे साधा हुआ सिंगर ने गाया है, एक क्लासिकल सीखा हुआ सिंगर ने गाया है, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इसमें जैसे हम लोग बंदिश गाने के समय में बीच में अलाप भी करते हैं, मतलब जैसे बोल अलाप हो गए या आ में हो गए है ना, या सरगम में हो गए, मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देके बताऊंगा तबला बजा के। जैसे सुनिए, मैं बताता हूं आपको तबले पे, पग में घूम कर देखे पोर्शन भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी मात्रा बंधा हुआ है, 18 मात्रे का ये अलाप किया मैंने, तो आपको मात्रा समझ में आ गया तभी तो। 16 मात्रे का गाना है, 18 मात्रे में अलाप करना है ना, इसके बारे में आपको समझाऊंगा डिटेल, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बहुत लोग समझाते हैं इसको गाने को, लेकिन इस गाने को इस तरह से डिटेल में नहीं समझाते लोग, और आप अगर इस तरह से डिटेल में नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा गाना, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दीजिए इस गाने में। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, मृदंग के बोल, वो जो मृदंग के बोल बज रहे हैं ना उसमें पखावज के बोल, तो वो कैसे बजते हैं और उसमें दो लय में यूज किया उन्होंने, देखिए आपको कैसे बताता हूं मैं। मृदंग बाजे तिरकिट दुम तिरकिट दुम ताता, ये डबल में चल रहा है, देखो। मृदंग बाजे तिरकिट दुम तिरकिट दुम ताता ना जदा झूम झूम में। तो इसमें लय बदलते हैं, एक ही जगह पे गा रहा हूं मैं लेकिन डबल लय में गा रहा हूं, कहीं कहीं सिंगल कभी डबल लय, देखो। मृदंग बाजे तिरकिट दुम तिरकिट दुम ताता, मृदंग बाजे यहां डाल कर दिया मैंने,
मृदंग बाजे तिरगिड दुम तिरगिड दुम दादा, ये और डबल हो गया इसका। ना दादा चूम चूम दादा ए दादा ए दादा चूम चूम चना ना ना चूम चूम चना ना क्रांधा 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 धा 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 मधुबन मेरा देखा। तो ये भी थोड़ा डिटेल में आपको जानना चाहिए, नहीं तो आप रटा रटा है तोता के साथ आप गा दोगे, लेकिन जब तबला वाला बैठेंगे साथ में आपके बजाने के लिए तो आप भटक जाओगे। ठीक है, थोड़ा ही थोड़ा समझाऊंगा मैं। ओके, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुखड़ा बताऊंगा, तान बताऊंगा कैसे गाते हैं, और अलाप बताऊंगा, अलाप भी गाएंगे इसमें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।